कलर्स टीवी के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि नेत्रा चलने वाली है एक और नई चाल, ताकि ऋषि और तनुजा को कभी एक ना होने दिया जाए। जैसा कि हाल ही के एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से नेत्रा अपने गुनाहों का कन्फेशन करती है और ऋषि और तनुजा एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी नेत्रा की एक बहुत ही बड़ी चाल है। दरअसल वो चाहती है कि किसी तरह से वो नताशा के नजदीक आ जाए और नताशा को माँ का प्यार दे, जिसकी वजह से ऋषि नताशा का कस्टडी का केस जीत जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ऋषि को नताशा की कस्टडी मिल जाएगी और साथ अभिषेक और तनुजा ऋषि की लाइफ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर नताशा कोर्ट में ये कह देती है कि वो नेत्रा को अपनी माँ समझकर रह सकती है और साथ ही ऋषि भी उनके साथ पिता के तौर पर है, तो हो सकता है कि ऋषि कोर्ट का केस जीत जाए, यानी कि नताशा की कस्टडी ऋषि और नेत्रा को मिल जाए। इसी वजह से नेत्रा ऋषि और तनुजा को अपने जाल में फंसा रही है और दोनों से मीठी मीठी बातें कर रही है, लेकिन कितनी कामयाब हो पाएगी नेत्रा ऋषि और तनुजा को अपने जाल में फंसाने में और साथ ही नताशा पर माँ बनकर प्यार बरसाने में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी से जुड़ी तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।